पंजाब की भगवंत मान सरकार का 1,55,860 करोड़ का पहला बजट पेश हुआ, जिसे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली बार से 14% बजट बढ़ाया गया है। हमने 1 MLA 1 पेंशन की शुरुआत की है, जिससे 19,53,00,000 रुपए की सालाना बचत होगी। और साथ ही कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, ये जनता द्वारा तैयार किया गया जनता का बजट है। हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब पर 5 साल में 44.23% कर्जा बढ़ा है। पंजाब हर व्यक्ति की आय में कभी 1 नंबर 1 राज्य था और अब 11वें नंबर पर पहुंच गया है। तो पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ। आपको बता दें कि पेपरलेस ये बजट रहा। पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हैं चीमा, उन्होंने ये बजट पेश किया। तस्वीरें उस दौरान की। तो पंजाब सरकार का बजट पेश हुआ।